तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर एसएम, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम हैं ऑटो एक्सपो में। ऑटो एक्सपो के सबसे बड़े पवेलियन से मैं आपके लेके आया हूं ऑल न्यू टाटा सियेरा ईवी का फर्स्ट लुक। आज टाटा मोटर्स इंडिया ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार का एक कॉन्सेप्ट अवतार दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और जो आप देखेंगे ऑल न्यू टाटा सियेरा के रूप में क्या कुछ है, कैसे डिज़ाइन फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इसको सबसे पहले 2020 में दिखाया गया था ऑटो एक्सपो में, वहाँ पर कुछ लग रहा था कि कुछ आने वाला है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक प्रोडक्शन फ्रंट के बहुत पास ये गाड़ी आ चुकी है और सब कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये अपने 5-डोर वर्जन के साथ सामने आई है, जिसमें आपको उसमें टोटल 5 दरवाजे मिलेंगे। एक प्रॉपर लुकिंग आपको अलॉय दिया गया है। गाड़ी का साइज़ अगर आप देखेंगे ना, हैरियर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इंटीरियर फ्रंट आप देखेंगे तो एक प्रीमियम गाड़ी वाला फील करवा रहा है, साथ ही गाड़ी में सनरूफ देखने को मिल रही है। फ्लश डोर हैंडल्स यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ और उसी के साथ गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। जो फ्रंट में आप पूरा एलिमेंट देख रहे हैं ये लाइट एलिमेंट है, जो कि बिल्कुल एक DRL का काम कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ आप देखेंगे तो टाटा का लोगो देखने को मिलेगा। नीचे कुछ आपको एक स्किड प्लेट का कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है और बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर साथ में ही हैरियर ईवी भी शोकेस की गई है, जो कि जो हैरियर फेसलिफ्ट जो लेना चाहता है उसका क्या एक लुक होगा वो आपको यहाँ से दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या सारे चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या लुक्स हैं, मतलब चेंजेस क्या क्या सकते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट से बदल के एक प्रोडक्शन के पास जो गाड़ी आई है क्या आपको इसमें मिल रहा है। सबसे पहले जो चार्जिंग पॉइंट है उसके लिए वहाँ पर आपको एक ब्रैकेट मिलेगा, पीछे सियेरा का आपको एक बैजिंग देखने को मिलेगी, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो यहाँ पर शो किया गया, लेकिन प्रोडक्शन में वो चीज़ें नहीं आएंगी। उसके साथ आपको ग्लॉसी एलिमेंट के साथ कुछ बी पिलर, उसी के साथ सी पिलर, उसके साथ डी पिलर देखने को मिलेगा। जो आप बी पिलर देख रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, उसी के साथ ओआरवीएम आप देख सकते हैं। जो विंडशील्ड का पार्ट है थोड़ा सा स्लोपिंग वाला पार्ट आप देखेंगे, उसके साथ ये कुछ DRL फ्रंट है। गाड़ी को बाहर से एक रगेड और एक मस्कुलर अपील दी गई है, ये कुछ वैसा ही सेगमेंट है आप समझ सकते हैं जिस तरीके से थोड़ा सा एडवेंचर सेगमेंट हम पसंद करते हैं। हैरियर से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम, लेकिन उसी का एक इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर हैरियर इंडिया में आने वाली है। ये गाड़ी उससे थोड़ी प्रीमियम भी प्लेस हो सकती है क्योंकि फीचर ज़्यादा प्रीमियम होंगे, लेकिन साइज़ हैरियर से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहेगा। उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो कॉन्सेप्ट फेस में भी यहाँ पर लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस पता चल रहा है। उसके साथ ये गाड़ी अभी 5-सीटर वर्जन के साथ दिख रही है, एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको 7-सीटर का ऑप्शन भी दिया जा सके, लेकिन यहाँ पर 5 का बिल्कुल शॉर्ट शॉट है। पीछे जो बूट है ये आपको सफारी के कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिला जाता है, और साथ में ही देखें तो अंदर आपको पावर जो सीटिंग है वो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसी के साथ देखेंगे जो अंदर का पूरा स्टेयरिंग इनपुट है वो भी आपको लगभग जिस तरीके से आपने कॉव के अंदर देखा था, अवनिया के अंदर देखा था, हल्की फुल्की उसी की याद दिलाएगा। और ये दोबारा से आप देख लीजिए इस गाड़ी के फ्रंट के लुक को, बहुत ही बढ़िया लुक दिया गया, कट्स एंड क्रीजेस प्रॉपर आपको मिलती है। सबसे खास बात यह है कि ये एक तो इलेक्ट्रिक है और साथ ही इसका अगर रेंज की बात की जाए तो लगभग 500 किलोमीटर तक यहाँ पर रेंज प्लान कर रही है टाटा मोटर्स। और जिस हिसाब से इसमें डॉट ईवी की बैजिंग मिल रही है तो ये भी लग रहा है कि इसकी प्राइसिंग को भी काफ़ी ज़्यादा कम्पटिटिव रखने की कोशिश की जाएगी। और ख़ास बात है कि इंटीरियर के पूरे लेआउट को देखिए, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन यहाँ पर शोकेस की गई है, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक प्रोटोटाइप के तौर पर इस कॉन्सेप्ट को दिखा दिया गया है, सब कुछ वर्क कर रहा है। ये गाड़ी खुद चल के यहाँ पर आई है तो उससे भी एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या टाटा मोटर्स अभी कर रही है, बहुत पास आ चुकी है गाड़ी अपने प्रोडक्शन मॉडल की। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो ये भी अगले 1 से 2 साल के बीच में आपको मार्केट में आती हुई दिख जाएगी। क्लोजिंग शॉट्स हमने सब कुछ देख लिए, मेन चीज़ है कि गाड़ी अपने साथ क्या देती है, तो उसका जो प्लेटफॉर्म है ये अपना जो एक तरीके से आपने जो कर्व के साथ देखा था Gen 2 Gen 3 प्लेटफॉर्म का मॉडिफिकेशन, उसी का प्लान है। और थोड़ा सा जो हैरियर ईवी है उसमें ओमेगा आर्क का कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल जो जेन 3 है उसी के ऊपर बनाया गया है और स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है, तो ये इसको थोड़ा अलग बनाएगा। अगर आप हैरियर और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ये उससे ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी होगी, साथ ही थोड़ा सा फीचर के हिसाब से देख के चल के गई होगी, और जो रिक्रिएशनल पर्पस स्टार्टिंग से टाटा मोटर्स इसके लिए कह रही है वो सब कुछ इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही ऊपर देखेंगे जो स्पॉइलर वाला पार्ट है ये भी बड़ा सटल रखा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, शार्क फिन एंटीना नहीं है, तो उतना ज़्यादा कुछ अभी प्रोडक्शन फ्रंट में नहीं आई है। लेकिन ऑल एंड ऑल गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। क्लैडिंग के पार्ट भी देखेंगे, बॉक्सी रखे गए हैं। रियर की प्रोफाइल बिल्कुल एक सफारी वाला फ्रंट दिखाती है, लेकिन आगे का प्रोफाइल आपको कहीं ना कहीं जैसे पंच में आपको नई डिज़ाइन फिलॉसफी जो अल्फा आर्किटेक्चर है उसी की याद कराती है। थोड़ा सा लॉ एंगल शॉट्स अगर आप इसके लेंगे तो ऐसी दिखाई देती है गाड़ी नीचे से, और यहाँ से भी देखें तो बढ़िया लुक है। टाटा मोटर्स अगर इसी डिज़ाइन को कैरी फॉरवर्ड करके आपको प्रोडक्शन मॉडल के साथ एक गाड़ी देता है तो बिल्कुल सुपर हिट हो सकती है गाड़ी, कोई दो राय नहीं है।
ये मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन इसमें दूंगा, फर्स्ट लुक जो हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमने गाड़ी को ना चलाया है ना इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन टाटा मोटर्स ने कुछ शेयर करे हैं, लेकिन जहाँ तक अभी ये गाड़ियाँ दे रहे हैं लगभग 300 किलोमीटर की रेंज बहुत ईजिली यहाँ पर मिल जा रही है। अगर हम नेक्सॉन के साथ देखें बाकी सारी गाड़ियाँ, तो ये गाड़ी ईजिली 500 किलोमीटर की रेंज भी दे सकती है। और मैं इस बात से इम्प्रेस हूँ ना कि यहाँ पर ये गाड़ी खुद चल के आई हुई है, तो वो इसको बहुत सही डील एक तरीके से बना रही है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बिल्कुल वैसा है कि दूर के ढो वाली बात नहीं, ये गाड़ी बिल्कुल आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और नीचे से ऐसा कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि जिस तरीके से हुंडई आपको स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट चेसी का इस्तेमाल किया जाता है, वही चीज़ें इसमें भी की जाएंगी। उसका डिज़ाइन किस तरीके का है वो भी टाटा मोटर्स ने भी डिस्क्लोज़ नहीं किया है। अभी कोई स्पेशल इवेंट होगा तो वहाँ पर आपको ज़रूर मैं बता दूंगा। और जो पेंट क्वालिटी है वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया शाइन है पेंट के अंदर। अगर आप उसके साथ इस साइड देखिए जो कि हैरियर ईवी है, इसके स्पेशली अलग वीडियो मैं आपके बना दूंगा। इस गाड़ी में क्या बदला है, जो फ्रंट की प्रोफाइल है थोड़ी बहुत आपको जैसे टोयोटा की डिज़ाइन लैंग्वेज है या फिर एक जापानीज़ फिलोसफी, अगर फ्रंट में एग्रेसिव जो एक करेक्टर होता है गाड़ी में वो यहाँ पर आया है, उसकी वीडियो अलग से बनाता हूँ आपके लिए। बाकी आज हमें टाटा मोटर्स के अपने जो इनका ऑटो एक्सपो का पवेलियन है वहाँ से एक अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और गाड़ी को ना जितने बार देखो उतना ज़्यादा पसंद आ रही है। पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए, आगे भी डिस्क ब्रेक दिख रहे हैं, जो जो एंगल आप इसके नोटिस करेंगे आपको लगेगा कि गाड़ी बिल्कुल रियल है और ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा इसमें बदल के आएगा। हाँ, जो अलॉय का डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो चेंज हो सकता है, उसी के साथ जो फ्रंट का बम्पर पार्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा टोन डाउन करा जाएगा। जो आप सारा जो शाइनी मेटल देख रहे हैं फ्रंट में वो हट चुका होगा, वहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल जो बम्पर आता है वो दिखेगा, जो ग्लॉसी एलिमेंट है वो बिल्कुल गायब हो चुके होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत टाटा मोटर्स इसे रफ एंड टफ अपील भी देगा। इसमें ये गाड़ी प्रीमियम अपील के साथ तो आ रही है, लेकिन इंडिया के हिसाब से जो नॉर्मल बम्पर रहता है वो ज़्यादा सही रहता है, बट जो इंटीरियर है वो बड़ा सही तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, और उसमें जो थोड़ी एमी लाइटिंग है वो भी है। अब इसमें अडास वाले फंक्शन होंगे नहीं होंगे वो कुछ टाटा मोटर्स ने क्लेम अभी नहीं करा है। मेन काम है कि वो अपना जो सियेरा का ब्रांड है उसको दोबारा लाना चाहते हैं, मतलब कस्टमर्स को फील करवाना चाहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन द सेम जो सियेरा आपको पहले मिलती थी। थोड़ा सा अगर आप यहाँ से देख लें तो ये नज़र में इसके इंटीरियर दिख रहे हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, सिंपल वाला आपको पूरा जो गियर शिफ्टर है वो देखने को मिलेगा, और जो नीचे पूरा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर फ्लैट आपको मिलेगा ड्राइवर और को पैसेंजर साइड, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से अवनीय और कर्व में आपने देखा था वही कुछ है। अभी देख लेते हैं एक बार लास्ट शॉट्स। तो ये कुछ रही है आपकी ऑल न्यू सियेरा। घूमते घूमते हमने बहुत सारी बातें कर ली इसकी। अडास के फंक्शन मैं यहाँ पर अभी नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने बिल्कुल जूम कर दिया है, और अब आपको इसके अंदर के थोड़े शॉट दिखा दिए जाए। तो ये है गाड़ी के अंदर के शॉट, लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें एक टनल बनते हुए आ रही है, लग रहा था कि नहीं है लेकिन टनल है इसमें, तो थोड़ा ना कर्व और अवनिया से थोड़ा हटके गाड़ी है, तो वो भी क्या है देखते हैं, क्योंकि कर्व में टाटा ने कहा है कि हम अंदर बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा स्पेस इसमें एक्सपीरियंस हो पाए। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखेंगे तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे। सारा जो इंस्ट्रूमेंट लेआउट है हल्का फुल्का आपको महिंद्रा जिस तरीके से देती है या फिर जो मर्सिडीज़ वाली सेगमेंट है प्रीमियम सेगमेंट है उसी की याद आने वाली है। तो ये कुछ टाटा मोटर्स का पूरा पवेलियन है, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ है। बहुत बढ़िया रश है यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हैरियर जो गाड़ी है वो भी एक तरीके से शोकेस की गई है, जो कि अपने इलेक्ट्रिक अवतार में दिखाई गई है। ये भी इसका कॉन्सेप्ट फेज है, कोई ऐसा नहीं कि फाइनल फेज है, बट कहीं ना कहीं आपको टोयोटा या फिर जो एक एग्रेसिव फ्रंट है वो इस गाड़ी में मिलता हुआ मिलेगा। तो ये कुछ रही आपकी गाड़ियाँ। अब हम इस गाड़ी को आपको दिखाते हैं कि आपको चाहिए इस गाड़ी के साथ स्पेशल, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता है इसके और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और आप बताइए टाटा मोटर्स के लिए आपके क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं आप टाटा मोटर्स के लिए, और आप किस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पंच ईवी, क्योंकि यहाँ पर पंच का सीएनजी अवतार दिखाया गया है, अल्ट्रोस का भी सीएनजी दिखा दिया गया है, कर्व भी शो की गई है, और ये भी की गई है। बाकी क्या गाड़ी का आप इंतजार कर रहे थे ज़रूर।